नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले स्वतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो दिन जबकि 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया भारत देश पर, भारत के लोगों पर, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया जो कि 15 अगस्त 1947 से इन जो ब्रिटिश रूल था उससे निजात मिली, देश आज़ाद हुआ। उसी दिन से लेकर आज तक लगातार इस दिन को एक त्यौहार से भी बढ़कर मनाया जाता है। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, देश के लोग आज़ाद हुए, आज 75वां यानी कि कल 75वां स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। और हर तरफ चौकसी बढ़ती जा रही है। फिर से कहेंगे, जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके सामने लाते हैं, ज़रूर लिखिए इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, क्योंकि हमारी यही फोर्सेज है, हमारे यही जवान हैं। जब ये सरहदों पर, सड़कों पर खड़े होते हैं और अपने घरों में हम चैन की नींद सोते हैं। इस समय हम जम्मू एयरपोर्ट के बाहर हैं बिल्कुल, और यहाँ पर सतवारी के थाना प्रभारी दीपक जसरोटिया, उनकी पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर। पूरी चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार दुश्मन कोशिश में है, दुश्मन अनासर कोशिश में कब अपना जो अपनी कायराना हरकत को अंजाम दे। पर वहीं पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सीना ताने उस दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। बार बार इसलिए कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है इनका मनोबल बढ़ाना, क्योंकि कल का दिन हर एक देशवासी के लिए, हर एक जन के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। और अपनी जनता से निवेदन करते हैं कि आप भी पूरा कोऑपरेट करिए, जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमारी सेना का, हमारी सुरक्षा बलों का पूरा भरपूर कोशिश, उनका ताउन कीजिए। क्योंकि चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं जम्मू को भी निशाना बनाने की। लगातार आतंकवाद से लड़ते हैं हमारे ये सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, और कहीं ना कहीं कोशिशें लगातार जारी हैं। पर जनता को भी सतर्कता बरतनी बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जनता का समर्थन बहुत ही अनिवार्य है। और हर जगह चौकसी बरती जा रही है, इसलिए हम नहीं बता रहे, इसलिए बता रहे हैं कि हमारे जवान रात दिन खड़े हैं सड़कों पर हमारी जनता के लिए। हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं इन्हीं के बदौलत। इस समय हम आपको जम्मू एयरपोर्ट के लाइव दृश्य बता रहे हैं कि चौकसी बरतना भी अनिवार्य है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं आज भी जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी पकड़े गए जम्मू से, और लगातार आतंकियों का कहर जारी है। जिस तरह से आपने देखा राजौरी में ग्रेनेड से हमला हुआ और जिसमें 2 साल का बच्चा शहीद हो गया, वीर सिंह, श्रद्धांजलि देते हैं उस बच्चे को भी और उनके भी, उनके परिवार के भी कई सदस्य अभी भी घायल हैं। लगातार कायराना हरकत, जनता को भी चाहिए कि पूरा सहयोग करें, क्योंकि ये सुरक्षा सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, बल्कि आम जनता की सुरक्षा है। आम जनता की कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का, सुरक्षा का सवाल है, उनका दायित्व है फोर्सेस ने और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के कंधों पर। तो इसीलिए पूरा सहयोग कीजिए, पूरा ताउन दीजिए कि जब भी वो जहाँ पर भी नाके हैं, जहाँ पर भी आपकी चेकिंग हो जाती है, खुद अपनी चेकिंग करवाइए, क्योंकि ये लोग आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और हमारी जनता से भी निवेदन, हम बार बार कहते हैं कि हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के बाशिंदे हैं, और गर्व है हमें अपनी फोर्सेस पर, हमारी इंडियन आर्मी पर, हमारे जितने भी जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस पर। इनका मनोबल बढ़ाना हर एक देशवासी का कर्तव्य है, हर एक जम्मू कश्मीर की जनता का कर्तव्य है।
क्योंकि जब ये सरहदों पर हैं, जब ये सड़कों पर हैं, तब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इस समय चौकसी बरतना भी जरूरी है, क्योंकि कोताही की गुंजाइश ही नहीं, गलती की गुंजाइश नहीं, किस वेश में, किस तरह से आतंकी कोई अपना कारनामा, कायराना कारनामा अंजाम दे। लगातार कोशिशें जारी हैं, पर हमारी फोर्सेस, हमारी सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और ज़रूर आप तावुन कीजिए, अपना सहयोग दीजिए। आम जनता से निवेदन है, जब भी चेकिंग होती है तो ज़रूर हमारी फोर्सेस, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दीजिए। कर्तव्य अपना, हर एक देशवासी का कर्तव्य अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के लोगों की सुरक्षा। चलिए सर, हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले नाम जाते सर, आपका नाम? हरमीत सिंह जी। हरमीत सर, जिस तरह से कल स्वतंत्र दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, और चेकिंग भी पूरी तरह से की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? आप ये अच्छा कदम है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो कर रही है जी, जो इस बात की थ्रेट दे रहे थे लोग, तो उस हिसाब से अच्छा कदम उठा रहे हैं कि हर बंदे की चेकिंग की जाए, हर गाड़ियों की चेकिंग की जाए। बिल्कुल, उस हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ ये जम्मू कश्मीर की पुलिस को, जितना से हमने देखा आपकी गाड़ी को रखा, आपने बड़े ही सहनशीलता से आप उठे, डिसिप्लिन वे से आपने कहा चेक कीजिए, कहीं ना कहीं हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार लोग हाश हो जाते, परेशान हो जाते कि चेकिंग क्यों हो रही, पर आपको नहीं लगता कि हर देशवासी का कर्तव्य है हमें उस कर्तव्य को निभाना, क्योंकि दुश्मन फिराद में? बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं हर बंदे। तो मैं भी कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की पुलिस की दाद देनी चाहिए कि हर मौके पे जहाँ पर जैसे कोई आती है उस वक्त वो ये अपना पूरा साथ देते हैं, जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि साथ, सब मिलके इनका साथ दें। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के धन्यवाद। ये हमारे नागरिक हैं और जिन्होंने ये कहा, सिटीजन है, कि जनता का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसी चेकिंग होती है, हम खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है कि अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता का भी समर्थन बहुत ही ज़रूरी है, जनता भी अपना सहयोग दे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, हमारा भी फर्ज है अपने देश के तई, आप देश के लोगों के तई। और अपनी जनता से एक निवेदन जरूर करेंगे, तिरंगे झंडे का ना होने पाए अपमान, क्योंकि तिरंगा झंडा है हमारी आन बान शान। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपनी गाड़ियों पे, अपनी मोटर बाइक्स पे जब भी आप कल के दिन तिरंगा लगाएंगे, तो उसके बाद ये नहीं कि उसके बाद उस तिरंगे का अपमान हो। कहीं भी आप सड़कों पर, कहीं भी आप अगर तिरंगे को पड़ा देखते हैं, बड़े ही मान सम्मान से उठाकर या तो साथ ले जाइए या किसी जगह उसको लगा दीजिए। पूरी चेकिंग की जा रही है, और जनता भी पूरा सहयोग दे रही है। और फिर से कहेंगे, हर एक का कर्तव्य, हर जम्मू वासी का, कश्मीर, जम्मू कश्मीर वासी का, देश के हर एक नागरिक की कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ा अच्छा सराहने कार्य कर रही है अपनी जनता की सुरक्षा के लिए, पर कहीं ना कहीं हमें भी अपना दायित्व निभाना है, हमें भी अपना कर्तव्य निभाना है। और फिर से बार बार कहेंगे हम, कहीं भी आप अगर तिरंगा देखते हैं, क्योंकि आप बाज़ारों में जब आप जाएंगे, तिरंगे की पतंगे बनी हुई हैं, तिरंगे के मास्क भी शायद फेस पे लगाने वाले मिलेंगे, पर कोशिश ये ज़रूर कीजिए कि मास्क मत खरीदिए अगर तिरंगा बना है, क्योंकि जब मास्क हम पहनकर कई बार अगर छींक आ जाए या खांस दें तो हम फेंक देते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप कहीं से गुजरते हैं, अगर तिरंगे को कहीं पड़ा भी देखते हैं, बड़े मान सम्मान से उठाकर या तो उसको साथ में ले जाइए घर पर, या किसी जगह उसको लगा दीजिए पूरे सम्मान के साथ। ये अपनी जनता से भी निवेदन करेंगे, ताकि जिस देश ने, देश में इतनी कुर्बानियों के बाद आज हमें आज़ादी मिली है,
ये तिरंगा हमें नसीब हुआ है तो इस तिरंगे के पीछे कई वीर जवानों की कुर्बानियां छुपी हैं। तो ये हमने पूरे विजुअल बताए जनता तक, क्योंकि जनता भी समर्थन दे रही है, जनता भी पूरा सहयोग दे रही है, कहीं ना कहीं जरूरी भी है, जरूरत है हमें समझने की। जब भी इस तरह का दिन आते हैं, चाहे हम 26 जनवरी की बात करें, चाहे 15 अगस्त की बात करें, और दुश्मन इसी दिन को चुनता है फिराक में कि कब चोट पहुंचाई जाए, कब ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, पैनिक का माहौल, डर का माहौल, कहीं ना कहीं बौखलाहट है। जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार उनको उनके असली मुकाम तक पहुंचाने के लिए, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट का एक हिस्सा है, उसी तरह बौखलाहट है, जो बौखलाहट साफ तौर पर नज़र आ रही है कि कोशिशें लगातार की जा रही हैं अपने आतंक को फैलाने के लिए, पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सीना ताने ऐसे कायरों का मुकाबला करने के लिए और इनको मार गिराने के लिए हमेशा तैयार है। बार बार कहते हैं, फिर से कहते हैं, सैल्यूट करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को, ज़रूर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद ज़रूर लिखिए, और अगले अपडेट के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ी रही। और इस वीडियो में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए कि आखिर स्वतंत्र दिवस के क्या मायने हैं और आप क्या सोचते हैं, किस तरह का भारत देश आप देखना चाहते हैं, क्या टेररिज्म फ्री जम्मू कश्मीर, टेररिज्म फ्री देश, यानी कि आतंक फ्री हमारा देश, हमारा जम्मू कश्मीर चाहते हैं, तो ज़रूर समर्थन दीजिए और इस वीडियो में अपने कमेंट्स, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, और इंडियन आर्मी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अपनी तरफ से मनोबल के लिए दो शब्द ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।